हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। बच्चों, पॉलीनोमियल आपने 9th में भी पढ़ा है, राइट? अब पहले पॉलीनोमियल समझने से पहले कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंसेप्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जैसे उसका नाम है बच्चों, वेरिएबल। वेरी मतलब जो क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको आप बोलोगे कि वेरिएबल। हर एक चीज़ टाइम के साथ चेंज तो होती ही है। किसी भी चीज़ की वैल्यू फिक्स, मतलब कि ऐसा समझ लो कि ऐसा बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो वो यहाँ पे हम रिलेट करें तो वेरिएबल तो एक ऐसी क्वांटिटी मैथमेटिक्स के अंदर जो कि चेंज हो रही है, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो रही हो, राइट? तो अ क्वांटिटी विच इज़ वेरी इज नोन एज अ वेरिएबल। अगर कोई क्वांटिटी वेरी हो रही है, दैट इज़ नोन एज अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, हम इसको नोट करते हैं बाय स्मॉल ABCD। तो एक्स वाई जेड से हम इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स, ठीक है? जैसे कि एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 ले रहा है, कभी वैल्यू 2 ले रहा है, कभी वैल्यू 3 ले रहा है, तो उसको हम वेरिएबल बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कॉन्स्टेंट। अ क्वांटिटी डज नॉट वेरी, जो कि फिक्स है। जैसे कि नंबर्स बच्चों, 5 नंबर ले लो, रूट 5 नंबर ले लो, ठीक है, पाई ले लो, इन सब की वैल्यू फिक्स है। अगर आप आज बोलोगे पाई की वैल्यू, बोर्ड के एग्जाम में एक साल के बाद डालोगे पाई की वैल्यू, टाइम चेंज हुआ पर पाई की वैल्यू चेंज होगी नहीं, दैट इज नोन एज अ कॉन्स्टेंट, फिक्स है, ठीक है? आपका स्टैंडर्ड, कोई पूछे आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल है कि कॉन्स्टेंट है, बच्चों वेरिएबल है, फिक्स थोड़ी है। आज आप 10th स्टैंडर्ड में हो, कल आप 11th में होंगे, फिर आप 12th में होंगे, तो आपका स्टैंडर्ड भी एक वेरिएबल है, राइट? बट कोई ऐसा पूछे कि फेब टू, अपने फेब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फेब टू फेब आपका कौन सा स्टैंडर्ड है, तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई जून से स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई, तो जून टू जून आपका क्या है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। अगर आप किसी क्वांटिटी को एक टाइम लिमिट में सेट कर दो और वो टाइम लिमिट के अंदर अगर वो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है? जैसे कि किसी के 3 टेस्ट में फिक्स मार्क आ रहे हैं, 15 15 15, तो पर्टिकुलर 3 ALT का मैं टाइम रेंज सेट कर दूं, तो 3 ALT के लिए एक स्टूडेंट का वो कांस्टेंट मार्क हो गया, पर किसी का चेंज हो रहा है, किसी का 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, तो उसके लिए वो वेरिएबल हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो जो क्वांटिटी वेरी हो रही है, वेरी मतलब बच्चों चेंज, तो वो वेरिएबल है, और अगर कोई क्वांटिटी वेरी नहीं हो रही है तो वो कांस्टेंट है, सिंपल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चों, वो समझ लेते हैं। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट अलॉन्ग विद द एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। मतलब आप लोग बच्चों अगर मैगी बनाते हो तो क्या डालते हो, मैगी डालते हो, फिर उसमें मैगी मसाला डालते हो, कोई नमक भी डालेगा, कोई मिर्च भी डालेगा अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है, और क्या डालते हो, अरे मेन इंग्रेडिएंट तो भूल ही गए, पानी भी तो डालना पड़ता है ना, ठीक है, तो फिर पानी भी डालते हो, तो ये सब मिला के एक मस्त स्पाइसी टेस्टी मैगी बन जाता है। वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जो अपने 2 क्वांटिटी पढ़े, एक ले लिया वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया बच्चों कॉन्स्टेंट ले लिया, इसका कॉम्बिनेशन बना के थोड़ा सा मस्त इसको मिक्स किया, फिर क्या बोल रहा है, आप इसको मिक्स करने के लिए क्या यूज़ करोगे, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशन किसको बोलते हैं, प्लस माइनस फिर एक्सपोनेंट, ये सब का कॉम्बिनेशन अगर बिठाऊं तो वो बन जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2√x + 3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 1/x + 5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल लिया, कॉन्स्टेंट लिया, बीच में प्लस किया, यहाँ पे पावर ले लूँ, पावर्स ले लिया, इन सब को मिला के जो मस्त रेसिपी बनी बच्चों, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
ठीक है, तो बढ़े आगे। आई होप ये तीन टर्म आपको क्लियर है, क्योंकि बेसिक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं आता है तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे आगे जाके। अब जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलीनोमियल, उससे पहले एक क्लियर आपको डिफरेंशिएशन समझा देती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल में डिफरेंस क्या है। देखो, पॉलीनोमियल दिखना कैसे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट सेट कर दिया है कि आप एक्स के हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करो, फिर उसका पावर कम, फिर उसका पावर कम, फिर उसका पावर कम, और एंड में एक्स गायब। मतलब पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे हम लिखे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, ये हुआ पॉलीनोमियल लिखने का सही तरीका, राइट। हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करो, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर एक्स गायब ही हो जाता है, ठीक है। बीच में आएगा प्लस माइनस, ये जो आगे हमने लिखा है बच्चों, ए का जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट। अगर एक्स के आगे कुछ, एक्स इज अ वेरिएबल, वेरिएबल के आगे आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों, वो होगा कॉन्स्टेंट, और वेरिएबल के आगे ही जो जस्ट मल्टीप्लाइड है, दैट इज नोन एज अ कोएफिशिएंट। आपने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल जिसका पावर डिक्रीज हो रहा है, आगे कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होंगे जो कि कॉन्स्टेंट होंगे, और बीच में प्लस माइनस साइन हो सकता है, राइट। अब आप लोग देखोगे कि ये आगे जो रेसिपी पढ़ी थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल, दोनों दिख तो सेम ही रहा है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी कॉन्स्टेंट है, इसमें भी पावर है, इसमें भी प्लस माइनस है मैडम। तो दोनों का मेन डिफरेंशिएटर क्या है बच्चों, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है बच्चों पॉलीनोमियल का टोपी, टोपी मतलब कि पावर। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी बच्चों, क्या कंडीशन लगाई है गौर से देखो, तो मैंने कंडीशन लगाई है कि जो ये पावर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पावर्स होने चाहिए जीरो से ही स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो पावर्स है वो होंगे बच्चों, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे आप ऐसा लिख दो पावर्स, ठीक है। पावर शुड बी अ होल नंबर्स, ठीक है, हर एक वेरिएबल के ऊपर का पावर है, जीरो से स्टार्ट हो रहे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर्स। तो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स होल नंबर्स है तो ही हम उसको पॉलीनोमियल बोल सकते हैं बच्चों, तभी हम उसको पॉलीनोमियल की कैटेगरी में रख सकते हैं, अदरवाइज वो पॉलीनोमियल फैमिली का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं लूँ एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स, इज इट अ पॉलीनोमियल, कोई पूछेगा इज इट अ पॉलीनोमियल, नो, बिकॉज अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लाओगे तो यहाँ पे वन पावर है, अगर ये ऊपर आएगा तो माइनस वन पावर हो जाएगा, और माइनस वन पावर अगर होता है बच्चों तो माइनस वन होल नंबर में नहीं आता है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलीनोमियल नहीं है। वैसे ही बच्चों रूट एक्स, कोई पूछे रूट एक्स इज अ पॉलीनोमियल, नो, बिकॉज रूट का जब हम पावर में कन्वर्जन करते हैं तो वो पावर होता है बच्चों वन बाई टू, वन बाई टू। तो अगर पावर वन बाई टू है तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर वो पॉलीनोमियल नहीं है। तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, बोर्ड के पेपर में एक आध ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है कि क्या ये पॉलीनोमियल है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई बच्चों पॉलीनोमियल की, कि कब कब हम किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का डिग्री, देखो ये आपने नाइन्थ में ही पढ़ा है और बहुत ही ईजी कंसेप्ट है बच्चों। डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे पहले तो हम रीड कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द हाइएस्ट पावर और डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। हाइएस्ट पावर और अ डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। मतलब कि
किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है और हाईएस्ट डिग्री, आप पावर बोलो डिग्री बोलो, अगर एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दूँ कि फैमिली में तीन मेंबर है, ठीक है, एक की सैलरी है 25,000, एक की 30,000, एक की 55,000। तो जनरली जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है, मतलब फैमिली में फिर चलती उसकी है, नॉर्मली तो ऐसा होता है कि वो ज़्यादा चीज़ें अपनी रख सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि जिसका पावर ज़्यादा है, ये तो सैलरी की बात कर ली, पावर है, पावर कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, अगर सैलरी कम भी हो पर पावर ज़्यादा है उसका, ठीक है, डोमिनेटिंग है। तो पावर अगर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है उसकी चलती है, राइट। तो जिसका पावर ज़्यादा है वही पावर उस पॉलिनोमियल पूरी फैमिली का डिग्री बन जाता है। जैसे मैं लिखूं एक्स टू द पावर 100, एक्स टू द पावर 88, तो इस वेरिएबल की डिग्री ज़्यादा है 100। तो यहाँ पूरी फैमिली की अगर डिग्री की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 100, सिंपल, राइट। तो वो डोमिनेट करेगा, जो हाईएस्ट है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 100 ही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। क्लियर बच्चों, इतना समझ आ गया, बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स में बच्चों दो डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल हैं। एक हमने दो अलग अलग टाइप कर दिए कि एक ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री हमें टाइप ढूंढने, और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, मतलब दो क्राइटेरिया हमने बना दिए बच्चों, डिग्री का क्राइटेरिया और टर्म्स का क्राइटेरिया। डिग्री हम कहाँ से देखेंगे, टर्म के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज अवर डिग्री। चलो, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है बच्चों, मतलब कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखे पी ऑफ एक्स, हाँ, नाउ व्हाट डू मीन बाय पी ऑफ एक्स, इस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका बच्चों, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल एंड इन द ब्रैकेट एक्स, मतलब पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर पॉलिनोमियल वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हुआ है तो हम पॉलिनोमियल ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। चलो, तो अगर मैं लिखूं बच्चों एक्स प्लस वन, राइट, तो इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है 1, देन 1 मीन्स लीनियर, वन मीन्स लीनियर। अब इसका नाम लीनियर क्यों रखा है बच्चों, कि अगर आपको याद हो 9 स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट आता था, तो लीनियर मतलब स्ट्रेट, वो सीधा सीधा बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो है दैट इज लीनियर। चलो, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा, देन वी विल कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें एक्स वाली टर्म भी हो सकती है, राइट। अगर कोई ऐसा लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो तुम लोग बोलोगे कि इसमें तो 1 पावर भी है मैडम, बट मैंने क्या बोला, आपको कौन सा पावर देखना है, उसका नामकरण कैसे होगा बच्चों, मैक्सिमम पावर से होगा, किससे होगा, मैक्सिमम पावर से। तो मैक्सिमम पावर 2 है देन इट इज क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर अगर 1 है देन इट इज अ लीनियर। सिमिलरली नेक्स्ट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि अगर मैक्सिमम पावर बच्चों 3 है, अब बीच वाले टर्म मिसिंग भी हो ना भी मिसिंग हो डजंट मैटर, मैक्सिमम पावर अगर 3 है देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ये हो गए 3 पार्ट, अभी आगे भी नाम होते हैं बच्चों, पर अभी बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 2 10th स्टैंडर्ड में इतने पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स हम लोग 3 बाइफर्गेशन कर रहे हैं, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कि अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है,
डिग्री कोई भी हो हमें लेना देना नहीं है. अगर एक ही टर्म है देन इट इज़ अ मोनोमियल, दो टर्म है देन इट इज़ अ बाइनोमियल, तीन टर्म है देन इट इज़ अ ट्राइनोमियल. एग्जाम्पल दे तो p ऑफ x इज इक्वल टू x, दिस इज सिंगल टर्म पॉलिनोमियल सो इट इज़ अ मोनोमियल. एक और एग्जाम्पल दे x square, this is again a monomial. x cube, this is again a monomial. कोई लोग बोलोगे मैडम इसका डिग्री तो चेंज हो रहा है. कोई बात नहीं, ये मोनोमियल भी है पर डिग्री वन है तो ये लीनियर भी है. ये मोनोमियल भी है पर डिग्री टू है तो ये क्वाड्रेटिक भी है. ये मोनोमियल भी है बट डिग्री थ्री है तो ये क्यूबिक भी है. ठीक है, सिंपल. नाउ बाइनोमियल में क्या होगा, सिंपली बच्चों दो टर्म होंगे तो x प्लस टू लिख सकते हो आप. यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लिख दिया. एक और एग्जांपल लूँ तो एक्स क्यूब प्लस सेवन लिख दूँ. तो पहली जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो बाइनोमियल भी है क्योंकि दो टर्म है. अच्छा टर्म कैसे चेक करते हो, अगर कोई लिख दे बच्चों टू एक्स स्क्वायर इट इज़ अ वन टर्म और टू टर्म, इट इज़ अ वन टर्म. रीज़न क्योंकि टर्म डिवाइड होता है, टर्म कैलकुलेट, टर्म काउंट कैसे होता है, टर्म काउंट होता है बच्चों बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस. मल्टीप्लिकेशन और सब डिवीजन दो क्वांटिटीज को अलग नहीं करते, तो बॉर्डर क्या है बच्चों, प्लस एंड माइनस. तो अगर ये बीच में प्लस है तो ये दो टर्म है. ठीक है, यहाँ पे भी बीच में प्लस है तो दो टर्म है पर यहाँ टू इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये दो टर्म नहीं है, दिस इज अ सिंगल टर्म. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, ईजी है राइट. तो ये लीनियर भी है, ये बाइनोमियल भी है, ये क्वाड्रेटिक भी है, ये बाइनोमियल भी है, ये क्यूबिक भी है, ये बाइनोमियल भी है. तो एक ही पॉलिनोमियल को आप दो नाम दे सकते हो. बट अगर कोई पूछे डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स नाम बताओ तो आपको डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स बताना है. ठीक है, नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म होते हैं बच्चों. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव. तो देखो इसमें तीन टर्म है राइट बच्चों, तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया और इसका मैक्सिमम पावर टू है तो फिर ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल बच्चों, इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है. बात कर लेते हैं अभी नाइन्थ के ही एक कंसेप्ट की, दैट इज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का वैल्यू बच्चों देखिए, पॉलिनोमियल का वैल्यू होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हो तो उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का क्या आउटपुट मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. अ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू p ऑफ x टेक्स एट एनी x इक्वल टू a इज p ऑफ a. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इधर ही क्रिटिकल डेफिनेशन अगर दिमाग में नहीं घुसती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों. बोर्ड में आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछते, ठीक है. यहाँ पे आपको अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो कंसेप्ट को यूज करके वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं. तो अगर मेरे पास सपोज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक पॉलिनोमियल है और कोई ऐसा बोले कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो आपको क्या करना है, सिंपल. आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ जिस जिस कुर्सी पे एक्स बैठा है उसको बोलना है बेटा उठ, और वहाँ वहाँ आपको डाल देना है माइनस वन. ठीक है, तो चलिए उठाते हैं और बिठाते हैं. तो ये तो जस्ट नोटेशन है, यहाँ पे आप नहीं उठाओगे बिठाओगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आप माइनस वन डाल दो और आगे पीछे जो भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे. तो फाइव इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर हो गया बच्चों प्लस वन, माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस, सो वन माइनस एट दैट इज योर माइनस सेवन. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस सेवन.
तो इनपुट इज माइनस वन, एक मशीन में हमने इनपुट डाला माइनस वन, पॉलीनोमियल उसके ऊपर एक्ट किया और आउटपुट मिल गया हमें क्या बच्चों, माइनस सेवन. सो दिस माइनस सेवन इज अ वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, इजी बच्चों, आपने ये पढ़ा ही है नाइन्थ स्टैंडर्ड में. ओके, बढ़ते हैं आगे. जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल. पहले ये टॉपिक को समझ लेते हैं. टॉपिक क्या है कि अगर कोई पॉइंट पे, जैसे अभी हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल ढूंढा, ठीक है, अगर कोई पॉइंट पे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज अ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल. मतलब ऐसा बंदा जो पॉलीनोमियल को जीरो बना देता है, दैट इज नोन एज अ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो, मतलब इनपुट जीरो नहीं डालना है बच्चों, इनपुट हमें ऐसे इनपुट ढूंढने हैं जिससे पॉलीनोमियल का आउटपुट जीरो आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत इजी हो जाएगा बच्चों. तो आप खुद ही सोचो कि एक्स की कौन सी वैल्यू डालूं मैं जिससे पॉलीनोमियल का आंसर जीरो आ जाएगा. तो क्लियर है, अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस वन डाल दो, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, आउटपुट मिल गया जीरो. तो ऐसी एक्स की वैल्यूज जिसको डालने से चमत्कार होता है और पॉलीनोमियल बन जाता है जीरो, दैट इज नोन एज अ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल. तो यहाँ पे जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या आ गया बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस वन. अब याद रखना, जितना एक्स का हाईएस्ट डिग्री है, मतलब जितनी उसकी डिग्री है उतने जीरोस मिलेंगे. जैसे कि यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, वन, तो इसके जीरोस हमें कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, क्वांटिटी एक मिलेगी, आंसर एक नहीं, क्वांटिटी एक ही मिलेगी. अगर आप कोई टू पावर वाली ले लो वैल्यू, चलो एक और ले लेते बच्चों समझने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो अगर आप इसमें वन डालोगे ना एक्स इक्वल टू, तो भी वन स्क्वायर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा. और अगर आप इसमें माइनस वन डालोगे, ठीक है, तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन होगा और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा. तो मैं वन डालूँ तो भी जीरो हो रहा है, माइनस वन डालूँ तो भी जीरो हो रहा है. तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दो मिली, एक एक्स इक्वल टू वन मिली और एक्स इक्वल टू माइनस वन मिली. तो इसके कितने जीरोस हो गए बच्चों, दो. आप कोई और ट्राई करना, कोई और जीरोस नहीं मिलेंगे. इसमें भी आप कोई और ट्राई करके देखना, माइनस वन डाल के देख लिया, अब जीरो डाल के देखो, टू डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, किसी भी और के लिए जीरो नहीं बनने वाला है. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम पावर होगा ना बच्चों उतने ही जीरोस मिलेंगे. तो मैक्सिमम पावर टू है, तो यहाँ पे हमें कितने जीरोस मिले, टू. तो कंसेप्ट क्लियर बच्चों, ऐसे एक्स की वैल्यूज जो चमत्कार करती है और पॉलीनोमियल को जीरो बना देती है. ठीक है, राइट बच्चों, क्लियर, दैट इज नोन एज अ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल. अब थोड़ा हम ग्राफिकली समझ लेते हैं. तो एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है बच्चों, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, ऑन द, मतलब ग्राफ की बात कर रही हूँ. तो एक्स की वैल्यू ऐसी डालो, एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, एक्स एक्सिस से. एक्स की ऐसी वैल्यू डालो जिससे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, मतलब ग्राफ की वैल्यू जीरो बन जाए. तो ग्राफिकली आपको इसको ऐसे समझना है कि जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को टकराएगा, जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को टकराएगा वो आपकी जीरोस होंगी. अब मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी एक्सिस है जहाँ पे वाई ज़ीरो बनता है. क्यों वाई ज़ीरो बच्चों, पहले तो याद कर लेते हैं कौन सी एक्सिस पे y जीरो बनता है, पता है किसी को, x एक्सिस पे y जीरो होता है. राइट बच्चों, x एक्सिस के सारे पॉइंट पे क्या होता है, y जीरो. जब हम ऐसा लिखते हैं कि p ऑफ x
इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की कौन सी इनपुट डालूं जिससे आउटपुट क्या हो जाए, जीरो, राइट. तो आउटपुट मतलब वाई, आउटपुट मतलब वाई. तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है. तो हमें देखना है कि ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को टकराएगा, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को टकराएगा वही आपके नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे बच्चों. सिंपल, इतना याद रखो. अभी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है. अब जितनी बार टकराएगा उतने जीरोस मिलेंगे, और जहाँ जहाँ टकराएगा वो आपके जीरोस होंगे, ठीक है. सपोज कोई ग्राफ है ऐसे जा रहा है, तो इसके एक दो तीन जीरोस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को तीन बार टकराए. और ये पॉइंट माइनस वन है जीरो, और ये पॉइंट वन है, तो उसके जीरोस क्या हुए, माइनस वन, जीरो एंड वन. अगर ग्राफ पी ऑफ एक्स वाला है तब एक्स एक्सिस, अगर अंदर एक्स है बच्चों तो हम एक्स एक्सिस से टकराएगा वो चेक करेंगे. और बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ग्राफ आपको दिया होगा कि ग्राफ आपको क्या दिया होगा, एक्स इक्वल टू पी ऑफ वाई, ठीक है. तो अंदर वाई है तो वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन चेक करते हैं. वैसे एक एग्जांपल लेंगे, अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है. पहले ये देख लेते हैं. तो क्या लिखा है, वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का अगर ग्राफ दिया है, वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का अगर ग्राफ दिया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस. कितने जीरोज मिलेंगे बच्चों, अगर आपके पास इक्वेशन है तो सिंपल कि जितना पावर उतने जीरोस. पर अगर आपको इक्वेशन नहीं दी है, क्या दिया है, सिंपल ग्राफ, तो जहाँ जहाँ टकराया वो उसके ज़ीरो, और जितनी बार टकराया उतने उसके ज़ीरोस, ठीक है. तो देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है. अब ये जो ग्राफ है बच्चों, एक्स एक्सिस को कहीं पर टकराया, नहीं टकराया, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, वन मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, टू मिलेंगे, बताओ क्या मिलेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस जीरो मिलेंगे ना, क्योंकि एक भी बार नहीं टकराया, एक भी बार वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरो मिल गए जीरो. अब ये कितनी बार टकराया बच्चों, एक बार, तो यहाँ आंसर लिख दो वन. ये कितनी बार टकराया, एक दो तीन, तो यहाँ आंसर लिख दो तीन. ये कितनी बार टकराया, एक दो, ये एक दो तीन चार, इसका आंसर चार. अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, वन टू थ्री, अब मैं इसको एक ही क्यों काउंट कर रही हूँ, तो ऐसा समझो कि वो जो बैट्समैन होता है वो यहाँ पे जो लाइन होती है पिच के दोनों तरफ, तो यहाँ पे टच करके जाएगा तो उसको एक ही काउंट करना है, ठीक है. अगर वो क्रॉस करके गया, ठीक है, ग्राफ, बैट्समैन की बात नहीं कर रहे, ग्राफ अगर क्रॉस करके गया तो ये दो काउंट होगा, ठीक है. अगर ऐसा छू के निकल गया टच करके, ठीक है, तो उसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है. तो ये एक दो एंड तीन, तो सिंपल एक मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, ज़्यादा कुछ आता नहीं है. अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की, राइट. मेन टॉपिक है इसका बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अब ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, पर है बहुत सिंपल सा, ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं. क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, बताओ. क्वाड्रेटिक मतलब बच्चों, क्वाड्रेटिक होता है मैक्सिमम पावर टू, मैक्सिमम पावर टू. तो आप स्टार्ट करोगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है, फिर एक पावर कम एक्स, फिर एक्स गायब, आगे कोएफिशिएंट को हम ले लेते हैं ए बी और सी, और बीच में लगा देंगे प्लस, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, दैट कैन बी प्लस, दैट कैन बी माइनस. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है. अब इसके जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए बी एंड सी, और इसके कोई दो जीरोस होंगे, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसके ऊपर ये पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगी, तो वो दो जो जीरोस होंगे बच्चों, एक्स की कोई वैल्यूज जिस पे पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगी, वो दो जीरोस का इन लोगों ने स्टैंडर्ड एक नाम दे दिया है ग्रीक लेटर्स में, एक का नाम दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया है बीटा.
ठीक है, अब आपको समझना है व्हाट इज अल्फा नेम. देखो इसको ऐसे रीड करते हैं, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन नहीं पसंद है तो आप याद रखो चिंटू एंड पिंटू. ठीक है, अल्फा एंड बीटा, चिंटू पिंटू. ठीक है, क्लियर. तो आपको ढूंढना क्या है, अल्फा बीटा दैट इज जीरोस एंड ए बी सी दैट इज कोएफिशिएंट. इन पांचों को कनेक्ट करे ऐसा रिलेशन, रिलेशन मतलब बच्चों फॉर्मूला. तो एक ऐसा फॉर्मूला जो ये पांचों को कनेक्ट करे, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, वैसे इसका डेरिवेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हमें इसके बाद जो फाइनल आउटपुट मिलेगा डेरिवेशन के बाद उसको यूज करना है. पर हम थोड़ा डेरिवेशन कंसेप्ट के लिए कर लेते हैं. ठीक है, समझ आया हम करना क्या चाहते हैं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा का कनेक्शन. चलो तो एक कहानी सुनते हैं मजेदार. ठीक है, एस इक्वल टू दो जीरोस मिले अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों गार्डन में खेल रहे थे चिंटू पिंटू, एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा. फिर उसकी मम्मी ने उनको घर में बुला लिया, एक्स उसकी मम्मी. ठीक है, या फिर राजा, राजा मतलब इनके पिता. ठीक है, एक्स इसके पिता, एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा. उन्होंने उनको घर में बुला लिया बंगले में अपने, तो अल्फा गया अंदर तो माइनस हो गया एक्स माइनस बीटा और दोनों की वैल्यू हो गई जीरो. दोनों की वैल्यू जीरो हो गई बच्चों. अब दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ मिला रहे, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बच्चों, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो. ऐसे कहानी के फॉर्मेट में इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको पूरे स्टेप्स याद रह जाए बच्चों. ठीक है, चिंटू पिंटू बाहर खेल रहे थे, घर के अंदर बुलाया, फिर दोनों ने हाथ मिलाया, मतलब प्रोडक्ट करना है. अब दो ब्रैकेट का आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे सिखाया है बच्चों, हमेशा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, सिंपल, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ करते जाओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स, बीटा कांस्टेंट है बच्चों क्योंकि वो जीरोस है. फिर दूसरे का पहले के साथ माइनस अल्फा एक्स, दूसरे का दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू ज़ीरो. पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, क्या मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, फ्रेंडशिप. अब इनमें से, इन दोनों में से बच्चों कुछ कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है क्या आपको जो कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, तो अंदर हो जाएगा बीटा माइनस बाहर करने की वजह से प्लस अल्फा, बट चिंटू पहले आया है तो आप पहले अल्फा लिखो तो अच्छा लगता है. तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हो गई पॉलीनोमियल. ये फॉर्मूला भी हमें काम लगेगी, पर अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. आ जाते हैं अपने मेन फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है बच्चों, अब इस पॉलीनोमियल को मुझे इस पॉलीनोमियल के साथ कंपेयर करना है. अभी कंपेयर करने के लिए पहला टर्म हम सेम बनाएंगे. इसका पहला टर्म आप ऑब्जर्व करो, पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, वन. इसका पहला टर्म क्या है, ए. तो हम क्या करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कंपेयरिंग हम इसका भी पहला टर्म वन बना लेते हैं बच्चों. तो वन बनाने के लिए हमें पूरी पॉलीनोमियल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ए से. तो अगर मैं ये ए जो कि एलसीएम है वो तीनों टर्म को बांट दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो. सो दिस इज माय सेकंड वर्जन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. अब बन गया है फॉर्मूला बच्चों, बहुत इजी है. अगर मैं फर्स्ट और ये सब अपने पास नेक्स्ट पेज है वैसे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ बच्चों तो क्या आएगा, देखो ऑब्जर्व करना आप लोग, है ना. एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे दोनों पॉलीनोमियल इक्वेट में लिख, देखो इसका भी आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो, तो आप दोनों पॉलीनोमियल को इक्वेट लिख सकते हो, राइट. अगर x इक्वल टू फाइव है
y इक्वल टू 5 है तो आप लिख सकते हो ना x इज इक्वल टू y, राइट। तो मैं वही कर रही हूँ, इसका भी 0, इसका भी 0, तो लेफ्ट इज कंपेरेबल। तो क्या लिखो, x स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, क्या लेके आए बच्चों, x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय। नाउ अब हम पॉलीनोमियल के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। अब ये एक आपके लिए नया है, हाउ टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ टू पॉलीनोमियल्स। देखो बच्चों, दो पॉलीनोमियल इक्वल कब होती है, जब उसकी का आगे का कोएफिशिएंट भी इक्वल होता है तभी वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको दो इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वल तभी लिख सकते हो जब वो उसके कोएफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अगर देखो, इसका कोएफिशिएंट तो सेम ही है, 1 इक्वल टू 1, सिर्फ कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ x के आगे जितना भी है क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज कंपेरेबल टू x के आगे जितना भी है क्या है, b बाय। अब फॉर्मूला में माइनस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइनस जो मल्टीप्लीकेशन में उसको डिविजन में डाल दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस से नीचे जाएगा, पर माइनस नीचे लिखने का रिवाज नहीं है, तो माइनस बी बाय ए। सो दिस इज माय फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आप सेकेंड लास्ट टर्म को कंपेयर करोगे, यू विल गेट द नेक्स्ट फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, हम करने क्या वाले, अल्फा बीटा ए बी एंड सी तीनों को रिलेट करे ऐसा फॉर्मूला। तो देखो मिल गया, अल्फा बीटा ए बी, अल्फा बीटा ए सी, तो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिखा है ना, जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक की ही बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है बच्चों, क्यूबिक है पर वो थोड़ा ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, ठीक है। चल तो आपको तीन फॉर्मूला याद रखनी है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप नाम क्या दोगे, यहाँ पे हमने जीरोस का क्या किया है बच्चों, प्लस मतलब कि सम, तो इसका नेक्स्ट नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा और बीटा को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, राइट, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हमने इसका डेरिवेशन किया है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। चलिए लिख लिया बच्चों, तो चलिए इसके साथ हम कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। इसमें अपने पास 2.2 में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको आता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो हम इसको यहाँ पे सीख लेंगे, बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको जीरोस ढूंढने के लिए बोले, तो सबसे पहला स्टेप आपको पॉलीनोमियल को इक्वेट टू जीरो कर देना है और चेक करना है कि वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्डाइज फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म होना चाहिए और फिर कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कलर में मज़ा नहीं आ रहा है ना बच्चों, रेड लेते हैं फिर ब्लैक लेते हैं। चलो अभी स्टेप्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो तीन स्टेप। लास्ट टर्म को आपको
पहले नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, साइड में लिखना है। तो आगे तो कुछ है नहीं, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप फॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लास्ट नंबर के आगे की साइन देखनी है। अगर ये माइनस है तो हमें मिडल टर्म लाना है सब्ट्रैक्शन करके, और अगर ये प्लस है तो मिडल टर्म लाना है हमें ऐड करके। किसका सब्ट्रैक्शन, किसका एडिशन, तो जो नंबर हमने बनाया है लास्ट नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके दो ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म होना चाहिए अगर आगे माइनस है थर्ड टर्म के आगे, और उसका एडिशन मिडल टर्म होना चाहिए अगर थर्ड टर्म के आगे प्लस है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, तो आप सोचो कि 8 का मैं ऐसा फैक्टराइजेशन क्या करूं जिसका सब्ट्रैक्शन करने से 2 हो जाए। सिंपल, 4 2 8 और इसका सब्ट्रैक्शन होता है 2। मतलब मल्टीप्लीकेशन करूं तो 8 बनना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करूं तो मिडल टर्म बनना चाहिए, और यहाँ पे जो साइन है वो डिपेंड करेगी लास्ट टर्म के आगे जो साइन है। माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस हो तो यहाँ प्लस आएगा। सिंपल। अब बहुत लोग इसमें ये जो साइन होती है ना स्प्लिटिंग की, उसमें गड़बड़ करते, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, आप मिडल टर्म के अलावा सब कुछ छाप दो, इसके अलावा सब कुछ छाप दो नेक्स्ट टर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगा दो, एक्स माइनस 8, और इसके इक्वल टू हमें क्या लिखना था, जीरोस, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं बच्चों जीरोस। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ नंबर की जगह वहाँ थोड़ी जगह बना दी और ब्रैकेट रख दिया। ठीक है, अब आपको लास्ट टर्म के आगे जो साइन है वही इस ब्रैकेट में डालनी है। मतलब हम सब्ट्रैक्शन करके मिडल टर्म ला रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे फैक्टर्स क्या है, 4 2 8, तो यहाँ लिख दो 4 2। सिंपल, पर याद रखना जब सब्ट्रैक्शन करो तो पहले बड़ा नंबर लिखना। ठीक है, जनरली हम बड़ा नंबर ही लिखते हैं। ठीक है, चले, तो अब क्या करेंगे, सिंपल, ये एक्स आपको दोनों को दे देना है, और यहाँ अगर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो अंदर की साइन एज इट इज रहेगी। तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे बच्चों आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि किसकी साइन माइनस लिखूँ, किसकी साइन प्लस लिखूँ, और कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा सब सोचना नहीं है। चलो रिपीट कर लेते हैं, क्या है मेथड, आपको पहला पॉलीनोमियल कॉपी पेस्ट लिख देना है, इसे मिडल टर्म की जगह क्या बना देना है, झुपड़ी। झुपड़ी मतलब बच्चों ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैं झुपड़ी बोलती हूँ, थोड़ी जगह बना दो और झुपड़ी बना दो। फिर लास्ट टर्म के आगे साइन है वो छाप दो यहाँ, तो आपने जो ये लेके आए है वो झुपड़ी के अंदर सजा दो। ठीक है, सिंपल। फिर अगर आगे माइनस है तो झुपड़ी टूटेगी तो अंदर साइन चेंज होगी, आगे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी, एक्स दोनों को बांट दो। कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ी नहीं, सिंपल, कभी रॉन्ग नहीं होगा इस तरीके से। अब इन दोनों में से क्या होगा बच्चों, कॉमन एक्स, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 4, इसी को आप छाप दो कॉपी पेस्ट। कॉमन निकालने का भी इजी तरीका, एक्स माइनस 4। अब पहले दो की कहानी ख़त्म है बच्चों, तो क्या होगा, थर्ड टर्म पे आ जाते हैं, तो थर्ड टर्म में एक्स गया अंदर, तो बाकी जो बचा आगे लिख दो, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका फैक्टराइजेशन इजीली। तो अब जो टर्म रिपीट हो रही है उसको एक बार लिख दो, x माइनस 4, और इन दोनों को साथ में जमा कर दो अगेन ब्रैकेट में। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 बांट दो तो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। तो ये आपका आ गया अल्फा, ये आपका आ गया बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2, चिन 2 4 पिन 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, आई होप मेथड क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन, मतलब जो हम फॉर्मूला लेके आए थे उसका आपको वेरीफिकेशन करना है। वेरीफिकेशन मतलब
क्या इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला वेरीफाई हो रही है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में से ए बी सी ढूंढना है बच्चों। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन में से ए बी सी ढूंढना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो आपका ए होता है, तो ए की वैल्यू वन, एक्स के आगे होता है वो आपका बी होता है, तो बी की वैल्यू माइनस टू। जब आप कोएफिशिएंट कंपेयर करते हो तो उसका सामान भी उसके साथ लेना है, सामान मतलब उसके आगे जो प्लस माइनस की साइन होगी वो आपको ले लेनी है। और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस एट, सी की वैल्यू क्या है माइनस एट। तो ए वन, बी माइनस टू, सी माइनस एट। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय, ठीक है। क्या करेंगे, सब मसाले साथ में डाल देंगे, चिंटू पिंटू ए बी सी सब साथ में डाल देते हैं, चेक कर लेते हैं एल एच एस आर एच एस इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो अल्फा डालते हैं, चिंटू कितना आया था बच्चों, चिंटू आया था फोर, अल्फा फोर, तो इधर अल्फा की वैल्यू डाल दो फोर, प्लस पिंटू कितना आया था बीटा माइनस टू, तो बीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस टू से, फॉर्मूला का माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या आई माइनस टू, ए की वैल्यू आई वन, प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर माइनस टू टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू बाई वन टू, तो क्या आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच, ये टू टू कट नहीं करना है, हमने ये सॉल्व किया। कुछ लोग क्या करते हैं एल एच एस अलग सॉल्व करते हैं फिर आर एच एस अलग सॉल्व करते हैं, मैंने साथ में दिखा दिया, ठीक है। तो आपको ये एज इट इज रखना है, इसको कट नहीं करना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो दिस इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और बच्चों हर एक क्वेश्चन में ये वेरीफाई होगा ही क्योंकि फॉर्मूला है जो कि ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है, तो फॉर्मूला वेरीफाई होगा ही, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू डाल दो फोर, बीटा माइनस टू, सी माइनस एट, ए की वैल्यू वन, सो आंसर इज माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। तो दैट्स इट, इतना ही मैथड है बच्चों, ईजी है। चलो लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला एक्स स्क्वायर है पर दूसरा एक्स वाला टर्म नहीं है, तो टर्म को क्या करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। अब मैंने बताया अगर टर्म आगे पीछे जाता है, जैसे आप लोग जाओगे एक बेंच से दूसरे बेंच तो अपनी नोटबुक लेके जाओगे, राइट, वैसे ही टर्म भी जब भी आगे पीछे जाता है तो उसकी साइन आगे पीछे जाती है। तो ये बनेगा बच्चों सिक्स एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स को बीच में लाओगे, आगे माइनस है तो माइनस वो साथ में लेके आएगा, माइनस थ्री को पीछे ले जाओ इक्वेट टू जी, ठीक है। स्टेप नंबर वन याद कर लो क्या था, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, एटीन का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसका मल्टीप्लाई करूँ तो एटीन बने, पर थर्ड टर्म के आगे साइन क्या है माइनस, जिसका माइनस करूँ तो सेवन बने, तो नाइन टू ज़ा एटीन एंड नाइन माइनस टू क्या हो गया सेवन, सिंपल। अब तरीका क्या सिखाया है, साइन की मिस्टेक ना हो इसलिए पहला एज इट इज साइन एज इट इज, फिर जगह बनाओ, फिर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आई होप अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब जो लास्ट टर्म के आगे साइन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और हमने क्या कॉम्बिनेशन लेके आए नाइन माइनस टू। अब ये बच्चों जाएगा x अंदर और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि सिक्स और नाइन है तो ये थ्री के टेबल में आने वाले दोनों नंबर हैं, पहले एक्स तो कॉमन निकलेगा ही बच्चों। अब थ्री के टेबल में सिक्स भी आता है, थ्री के टेबल में नाइन भी आता है, मतलब दोनों में एक कॉमन नंबर थ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया। अब थ्री को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो सिक्स बनेगा बच्चों, टू से, बीच की साइन एज इट इज़, x गया बाहर, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 9 बनेगा 3। ये हो गया कॉपी पेस्ट,
बच्चों ये 2x तो पूरे का पूरा अंदर चला गया, तो आगे क्या जीरो आएगा? नहीं, हमें मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर नंबर लाना है, तो यहाँ जीरो लिख दूंगी तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो साइन है वो एज इट इज और कुछ नहीं बचेगा, तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, ठीक है। तो अब जो रिपीट हो रहा है वो नंबर आप लिख दो एक बार, वो फैक्टर आप लिख दो एक बार, और इन दोनों को साथ में जमा कर दो। दोनों को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो 2x-3 इक्वल टू जीरो, 3x+1 इक्वल टू जीरो। तो x कितना हो गया, थोड़ा डायरेक्ट स्टेपिंग कर लेते हैं, 3/2-3 गया इधर एंड x हो गया -1/3। तो चिंटू कितना आया, 3/2, पिंटू कितना आया, -1/3, राइट बच्चों। अब आपको ढूंढना है ABC। जब आप ABC ढूंढो बच्चों तो आपको न्यू पॉलीनोमियल उठानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a की वैल्यू, चेक करते जाओ, 6। b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई -3। चलिए फटाफट डाल देते हैं सारे मसाले एक साथ, -b/a, α×β, c/a। अल्फा कितना, 3/2, बीटा कितना, -1/3, माइनस फॉर्मूला का -7, ए की वैल्यू 6। बच्चों अभी जब भी एलसीएम लेना ना आता हो ना, तो एक डांस का स्टेप याद रखना, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, कई बार अभी तक बेस कच्चा रहने की वजह से बहुत लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है। तो एलसीएम लेने का एक दूसरा तरीका है बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक स्टेप याद रखो, जो दो डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ना, आप स्टेप क्या याद रखो, इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों जो डिनोमिनेटर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो स्टेप क्या याद रखा बच्चों, दिस, ठीक है, ये बन गया एलसीएम। तो देखो 3 3s are 9, कलर चेंज करें बच्चों, कहाँ गया कलर। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। 3 3s are 9 +×-, 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6, -, प्लस, तो 9 - 2 हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, राइट, तो इजी है। सिमिलरली आप यहाँ पे कर लो, α×β, तो 3/2 -1/3, सी की वैल्यू कितनी है, -3, और ए की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 3 3 कट तो बचा कितना, -1/2, और यहाँ पे 3 2s are 6 तो बचा कितना, -1/2। तो LHS इक्वल टू अगेन RHS हो गया, सिंपल, राइट बच्चों, इजी है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़ते आगे, 4u² + 8u। अभी देखो इसमें तो थर्ड टर्म ही नहीं है, अगर थर्ड टर्म नहीं है बच्चों तो सिंपल क्या होगा कि आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड टर्म नहीं है दैट मीन्स आप सीधा इस स्टेप पे पहुंच गए, आपको इतना ही क्वेश्चन गिवन है, राइट, आपको सीधा यहाँ से क्वेश्चन गिवन है, अगर थर्ड टर्म गिवन नहीं है तो। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है तो सीधा आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, तो बस वही तो करना है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। तो क्या करो आप, यहाँ पे पहले स्टेप स्टार्ट करो इक्वेट टू जीरो। अब ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक्स की जगह इन लोगों ने ABCD का कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने यू यूज़ कर लिया, तो आप कॉमन क्या निकालोगे, एक यू तो कॉमन निकलेगा ही, और 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है, तो आपका 4 कॉमन निकल जाएगा। तो एक यू बाहर गया, एक यू अंदर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 बचेगा, तो 1 लिखने का रिवाज नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, 2 इक्वेट टू 0, बन गया फैक्टराइजेशन। ईजीएस्ट क्वेश्चन, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि जो ताला है ही नहीं वो खोलने की कोशिश करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। पर याद रखो थर्ड टर्म गिवन नहीं है, मतलब एक टर्म 2 पावर वाली है, एक टर्म 1 पावर वाली है, तो सीधा कॉमन निकालना है, ठीक है। चलो इसको इक्वेट टू जीरो करो, तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0,
देखो अब ये फोर गया नीचे, तो u इक्वल टू जीरो बाई फोर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, एंड u प्लस टू इक्वल टू जीरो है तो u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू क्या हो गई माइनस टू, u की वैल्यू हो गई माइनस टू, तो ये आ गया आपका चेन टू अल्फा जीरो बीटा माइनस टू। ठीक है, तो अब ले लेते हैं बच्चों ए बी सी की वैल्यू, आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है ए बी सी की वैल्यू। ए आपका हो गया फोर, बी आपका हो गया एट, और सी आपका गिवन ही नहीं है तो सी आपका हो गया बच्चों जीरो। तो अब आपको फॉर्मूला में डाल देना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। चलिए डालते हैं अल्फा जीरो बीटा माइनस टू माइनस बी की वैल्यू एट, ए की वैल्यू फोर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस टू, फोर टू जा एट, तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू, दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एंड अल्फा इंटू बीटा बच्चों दैट इज जीरो इंटू माइनस टू इज इक्वल टू सी जीरो, ए की वैल्यू फोर, तो जीरो इंटू एनी थिंग जीरो, जीरो अपॉन एनी थिंग दैट इज अगेन जीरो। बहुत ईजी है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको भी नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पहले के क्वेश्चन में बच्चों मिडिल टर्म नहीं था, अब के क्वेश्चन में, सॉरी पहले के क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं था, ये वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म नहीं है। तो मिडिल टर्म नहीं है तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि लास्ट टर्म में तो एक्स या वेरिएबल होता ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला का फॉर्मेट बन रहा होगा। ठीक है, ये आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में बच्चों पढ़ा हुआ है कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रहा है देन ऑल्सो वी कैन फैक्टराइज। इस मेथड का पूरा नाम क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूलाज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन फार्मूलाज बच्चों अपने पास। तो इसमें यहाँ पे लग रही है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे फॉर्मेट कैसे चेक किया, पहले का स्क्वायर है, दूसरे का स्क्वायर नहीं भी है पर हम सेट कर सकते हैं, और मिडल टर्म में है माइनस, सॉरी मिडल में साइन है माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको आपको सेट करना है इन टर्म्स ऑफ दोनों का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो इसको इक्वेट टू जीरो लिख देते हैं, आई कैन राइट दिस एज अ टी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अगर 4 होता तो मैं लिखती 2 का स्क्वायर, अगर 9 होता तो मैं लिखती 3 का स्क्वायर। पर बच्चों जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है वो अपने ही रूट का स्क्वायर है, जो किसी का भी सगा नहीं होता है वो खुद का सगा होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स मिल गए, दोनों टोपी हटाओ, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो अब दोनों को इक्वेट टू जीरो कर दो, तो टी माइनस रूट 15 इक्वेट टू जीरो, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। अगर इसको इधर ले जाओगे तो टी की वैल्यू आ गई रूट 15 और टी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15। ठीक है बच्चों, तो आपका चिंटू आया रूट 15 और पिंटू आ गया माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, आगे के पेज पे चले गए गलती से। हाँ चलिए अब इसको कंपेयर कर लेते हैं ए बी सी ढूंढने के लिए। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है बच्चों, तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, मिडल टर्म गायब है बच्चों, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0 और लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 15। चलिए फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो रूट 15 माइनस रूट 15, 0 के साथ 0 होता है नफ्फट बच्चों, कुछ भी कर लो है ना, उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आगे माइनस लगा दो तो कुछ नहीं होगा। हाँ अगर बॉर्डर खींच दो 0 प्लस 1,
जीरो माइनस, तो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो रूट 15 माइनस रूट 15 हो गया जीरो, तो जीरो इक्वल टू आ गया जीरो। दैट इज माई फर्स्ट वेरिफिकेशन। सेकेंड वेरिफिकेशन बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू 1। प्लस इंटू माइनस माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 हो गया 15, सो माइनस 15 इक्वल टू हो गया माइनस 15, है ना बच्चों, इजी है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया डन। बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब तो आप एक्सपीरियंस हो गए होंगे, है ना, एक्सपर्ट हो गए होंगे, ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले हो जाएगा, राइट बच्चों। तो 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बने, पर आगे साइन कौन सी है, प्लस, ऐड करूँ तो 7 बने, तो क्या आएगा 5 2 जा। लिखने का तरीका बच्चों, इक्वेट टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस, जगह बनाओ x प्लस 10 इक्वल टू 0, कॉम्बिनेशन आया वो इधर छाप दो, 5 प्लस 2, फिर x जाएगा अंदर, आगे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, x कॉमन तो अंदर आएगा x प्लस 5, कॉपी पेस्ट, थर्ड टर्म का x गया अंदर, बचा क्या बच्चों, प्लस 2। अब एक जो रिपीट हो रहा है वो लिखेंगे पहली बार, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इधर, दोनों को इक्वेट टू करेंगे 0। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 5 और x की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस 2। दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा, सिंपल। चलिए इसका वेरिफिकेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्योंकि इजी है, इसका वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हो, कर लोगे बच्चों। बड़े आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। तो इसमें हम याद कर लेते हैं, हमने एक पॉलीनोमियल भी डिराइव करी, हमने तीन फॉर्मूला डिराइव करी बच्चों, ठीक है, हमने तीन फॉर्मूला डिराइव करी थी, याद है कुछ, ये रहा। तो देखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्मूला व्हेन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और यू कैन से जीरोस आर गिवन। देखो बहुत सिंपल है, पहले हमने क्या सीखा, अभी जो फाइंड द जीरोस वाले क्वेश्चन में पॉलीनोमियल गिवन है और जीरोस ढूंढने हैं, अल्फा बीटा ढूंढने, ठीक है, मतलब बाप गिवन है बेटा ढूंढना है। अभी रिवर्स प्रोसीजर, बेटा गिवन है अल्फा बीटा, चिंटू पिंटू बाप को फाइंड करना है, कुंभ के मेले में बेटे घूम गए, ठीक है। तो पहला क्या, पॉलीनोमियल इज गिवन, पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, चिंटू पिंटू ढूंढो, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन, चिंटू पिंटू गिवन पॉलीनोमियल ढूंढो। तो पॉलीनोमियल ढूंढने का बच्चों अपने पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। फॉर्मेट क्या, पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट। फिर पैटर्न, देखो इसको हम लिखते हैं, अभी बनाने का तरीका मैं सिखा देती हूँ लास्ट पेज पे ही। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके पहुँच जाते हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, बनाने का तरीका क्या है बच्चों, कि पहला एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कॉन्स्टेंट, फिर पैटर्न क्या सेट हो रही है। ये पैटर्न इसलिए सीखनी है, कुछ लोग बोलेंगे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, पर अगर आपको क्यूबिक याद रखना पड़ा तो सेम पैटर्न आपको हेल्प करेगी। पैटर्न क्या है, प्लस माइनस प्लस, पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, अल्टरनेट तीसरा टर्म प्लस, प्लस माइनस प्लस। पहले वाले को जाने दो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1। फिर सेकेंड के साथ अपना पहला फॉर्मूला चिपका दो और लास्ट के साथ अपना सेकेंड फॉर्मूला चिपका दो, ठीक है, सिंपल, राइट। एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स गैप प्लस माइनस प्लस, सेकेंड में अल्फा प्लस बीटा, थर्ड में अल्फा इंटू बीटा, इजी। तो ये हो गया आपका पॉलीनोमियल बनाने का फॉर्मूला इफ अल्फा बीटा इज गिवन, मतलब चिंटू पिंटू पता है, बाप को ढूंढना है हमें, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बट
हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज करके और एक सेकेंड तरीका भी है, आपको जो वाला इजी लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला आप क्वेश्चन रीड करो, आपको गिवन क्या है, ये वाला पेज भी मैं यूज कर लेती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर गिवन। पहला नंबर आपको सम ऑफ जीरो दिया है, सेकेंड नंबर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड सॉल्व कर देते हैं और फिर आगे वाले पेज पे हम सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 एंड दूसरा आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। तो सिंपल है, आप फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट हो जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या था कि पॉलीनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट प्लस माइनस प्लस एक्स के आगे क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा और लास्ट में क्या लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। सिंपल। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो बच्चों 1/4x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दोगे माइनस 1 तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो ये इसके नीचे 4 है या अमीर बंदा है, बट तीनों को अमीर बनाना है, तीनों के नीचे 4 लाना है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 1। अब आगे ये आपका पॉलीनोमियल आ चुका है, ठीक है, बट आगे जो कांस्टेंट है उन सबको हटा के आपको लगा देना है k, तो बचेगा क्या 4x² माइनस x माइनस 1। आप ऐसा बोल सकते हो दिस 1/4 इक्वल टू k ले लिया, मैंने k इक्वल टू ले लिया 1/4। ऐसा इसलिए करना है बच्चों, k क्यों लगाया तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसके जीरोज ढूंढना सॉरी तो आपको इसका आंसर -1 -1 मिलेगा। अगर आप इसके आगे k लगा दो k मतलब अगर किसी पॉलीनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेट अस टेक यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो पॉलीनोमियल बनेगा उसके जीरोस ढूंढना तो भी -1 -1 मिलेंगे। तो -1 -1 जीरोस हो, ऐसे एक पॉलीनोमियल नहीं होती बच्चों, इनफाइनाइट पॉलीनोमियल होती है, ठीक है, इसीलिए हम आगे k लगाते हैं, क्लियर k का फंडा। तो आगे जो भी मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर हो, वट एवर द नंबर इज, ये 1/4 मतलब आप इसको अगर और एक स्टेप लिखो तो ये आगे साइड में निकल जाता है 1/4 4x² माइनस एक्स माइनस 1। नाउ दिस आगे जो मल्टीप्लाइड नंबर है इज रिप्लेस बाय इट इज, हम इसको जनरलाइज कर देंगे, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों 4x² माइनस 1 माइनस 1। सिंपल। चलिए अब आई होप आपको ये मेथड क्लियर है, तो पहले इसी मेथड से एक और क्वेश्चन कर ले, नहीं एक काम करते हैं सेकंड मेथड से भी यही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड मेथड में आगे लिख लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों, देखो जिसको आपको जो मेथड ईजी लगे वो लगा सकते हो। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को सेकेंड मेथड, जिसको फॉर्मूला याद रह गई ना उसको ये मेथड ईजी लगती है, जिसको फॉर्मूला याद रह जाती है उसके लिए मेथड ईजी है कि कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लिखना है फिर वैल्यू डालनी है, और जो बच्चा कुछ आगे निकाल दिया उसको के चिपका देना है। पर जिसको फॉर्मूला ही याद नहीं रहती है, कुछ भी कर लो, मैडम ट्रिक भी बता दे फिर भी प्लस का माइनस माइनस का प्लस, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि फॉर्मूला ही याद नहीं रहती है, तो उस केस में वो बच्चे ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि -b/c वाली फार्मूला सबको याद रह जाती है, ठीक है। तो सेकेंड फार्मूला भी, सेकेंड मेथड भी इजी है, क्या करना है बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो कौन सी है वो मैं बता देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा की फार्मूला डाल दो, ये तो सबको याद रह जाती है, -b/a = -1/4। मैंने पहले सम ऑफ जीरो दिया था उसके इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वो लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देन यहाँ पे c/a = -1।
अब यहाँ पे पॉलीनोमियल का आंसर लिखने के लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढ रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसी के अंदर हमें उसका आंसर लिखना होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a b c का आपको वैल्यू डालना है। तो फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर आइडेंटिफाइंग द वैल्यू ऑफ a b c हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो 1 है, मुझे क्या करना है कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लानी है, सिंपल सी बात है। पर अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं बच्चों तो क्या हो रहा है, इसको कंपेयर करूं तो ए 4 मिल रहा है और इसको कंपेयर करूं तो 1 मिल रहा है, तो दोनों में ये अलग अलग मिल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर बैलेंस करना है, जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए सोचो कि ये 4 है तो इसको भी 4 कैसे बना सकते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने बाहर से डाला, अब बाहर से डाला तो आपको वो वैल्यू को ऐसे डालोगे जिससे वो मतलब बचे ही ना। यहाँ पे 4 नीचे डाला तो इसको रिमूव हटाने के लिए, क्योंकि मेन तो इतनी वैल्यू गिवन है, ये तो एक्स्ट्रा डाला है, तो ये हटाने के लिए आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 4 लाना पड़ेगा, और नीचे डाला तो ऊपर भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, c बाय ए इक्वल टू माइनस 4 बाय 4। अब कंपेयर करो तो a इक्वल टू क्या, दोनों में 4 आ गया, यस, तो a इक्वल टू 4। माइनस b इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस कट होके b की वैल्यू क्या हो गई, 1, और c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस 4। सिंपल, बस ये बैलेंस करना इसमें इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मेथड फिर उनको लगता है कि मुझे आती है पर मार्क्स नहीं आते, क्योंकि ये बैलेंस करना भूल जाते हैं। चलो 4, 1, -4, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो 4, बी की वैल्यू डाल दो 1, सी की वैल्यू डाल दो -4, और आगे भले कुछ नहीं आया पर 1 तो है ही, और मैंने बोला एक पॉलीनोमियल नहीं मिलती है, इनफाइनाइट पॉलीनोमियल मिलती है, तो आपको के चिपका देना है, ठीक है। तो देख लो दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, 4x² - x। अच्छा देखो, किसी ने बोला नहीं, एक गड़बड़ करी ना, 4 1 4 तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट बच्चों। तो एलसीएम लेने में भी गड़बड़ करते हैं बच्चों जैसे, ठीक है। चलिए 0√5, इसको पहले पहली मेथड से कर लेते हैं फिर हम दूसरी मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू बच्चों अल्फा प्लस बीटा की है, और दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की है, क्योंकि क्वेश्चन इन जनरल हमने लिखा हुआ था। तो पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल डाल देते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - α+β(x+α β) = 0। तो x² - α+β कितना है, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। तो ये हो गया x² + √5, आगे कुछ भी नहीं है, क्या लगा दो बच्चों, k। तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों। अभी इसको सेकेंड मेथड से कर देते हैं, यहाँ पे ही sm लिख देती हूँ, sm मतलब सेकेंड मेथड। तो अल्फा प्लस बीटा 0 है, मतलब -b/a 0, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 नहीं होता है बच्चों, 1 होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है, तो c/a कितना हो गया, √5/1। अब एक अच्छी बात क्या है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, रीज़न दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो और इजी हो गया। तो a की वैल्यू 1, माइनस भी 0 है, तो माइनस को उधर दे दोगे तो भी वो 0 ही रहने वाला है, 0 नफट होता है। तो b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √5। तो अब इसको आप पॉलीनोमियल के अंदर डालोगे, पॉलीनोमियल में यहाँ लिख देती हूँ ax² + bx + c, तो a कितना डाल दो 1, b 0, तो 0 × x 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, c √5, आगे लगा दो k, तो k × x² + √5। देखो चमत्कारिक, दोनों आंसर राइट है, ठीक है बच्चों। तो दोनों मेथड इजी है, आपको जो इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हम करते हैं, है ना, और ये लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। चलिए मैं ये वाला कर देती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी बाय एन, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, माइनस वन बाय फोर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, वन बाय फोर। तो यहाँ पे सीधा पॉलिनोमियल वाला पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन बाई फोर है, तो मैं सीधा माइनस माइनस वन बाई फोर कर देती हूँ और ये वन बाई फोर। अब ये भी अमीर, ये भी अमीर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिवाइड बाई फोर हो गया, तो यहाँ इन दोनों के पास पैसा है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पहले क्वेश्चन में इसके पास नहीं था तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था, राइट। तो यहाँ वन बाई फोर को आप रिप्लेस करोगे बाई के, तो पॉलिनोमियल क्या बन गई, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ईजी। नाउ इसके बाद बच्चों हम सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, सॉरी पहले वैल्यू डाल दोगे माइनस वन बाई फोर, और पहले जो गिवन है वो लिख दो बच्चों। अब इसमें फॉर्मूला डालो, माइनस बी बाय इक्वल टू माइनस वन बाई फोर एंड सी बाय इक्वल टू वन बाई फोर। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस करने की, उस केस में तो सेकेंड मेथड बहुत ही ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। देखो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए फोर दोनों तरफ माइनस है तो कट, बी वन एंड सी वन, सीधा आप पॉलिनोमियल लिख दो। पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला। ए कितना, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सी कितना, वन, आगे किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से। तो ये हो गया बच्चों आपका पॉलिनोमियल, ईजी। तो अब आई एक्सपेक्ट कि आप ये वाला एक ईजी क्वेश्चन तो खुद करोगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया है, चैप्टर टू बहुत ईजी है, इसके आगे वाला पोर्शन रिड्यूस में चला गया है बच्चों, राइट। तो यहाँ तक हमें करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।